अरे करा जनरेटर से सोलर प्लेट भी लगा है अभी नहीं लगने वाला है। अच्छा लगने वाला है। रॉकी जिमी 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 पानी में देखो लेट गया, देखो नहाने लगा इसी में, देखो यहाँ से पा रहा है पानी। जिमी जिमी को रॉकी 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 पे हाथ रखो, रॉकी पे रॉकी के सर पे हाथ रखो यहाँ, हाँ ऐसे या खिलाओ तो। जिमी 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 रॉकी पानी आ रहा है समरसेबुल का और ये सब इसी में मस्ती कर रहे हैं। गोलवा बंदा है तो चल ला। हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हमारे साथ आए हैं हरिओम जी और चल रहे हैं हम लोग जो है कि बाल कटिंग करवाने। और देखिए ये जो है कि अपना घर बाहर से अंदर से भी नहीं दिखाएंगे, बाद में जब बहुत थोड़ा आप लोग प्यार जब बढ़ाएंगे तब उसके बाद जो है कि अंदर का सीन दिखाएंगे। कहाँ से कि लोग कहते हैं का जो है मोबाइल में बना सना रहा है तो इसीलिए अब देखिए हरिओम जी आज मिले हैं तो चलिए बाल और दाढ़ी कटिंग करवा लिया जाए। आप देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है तो आइए चलिए चलते हैं वहीं और चौराहे पर दिखाते हैं आपको नज़ारा चौराहे का गाँव के। तो आइए चलिए चलते हैं। चलो बढ़ावा 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 रोक का रोकत का है। हाँ अब देखिए यहीं देखिए अपना पंचायत भवन है ये, इसका नज़ारा अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है उसका वीडियो। देखिए रास्ता लाट चला जाता है, सीधे चलिए और अभी यहाँ हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे सीधे जो है और चलेंगे बंगला साइड में। और देखिए ये है नज़ारा अपने खेतों का और देखिए शाम का समय हो रहा है और बाकी देखिए इन्हीं की स्कूटी है देखिए और सामने देख ही रहे हैं खेत की रुपाई सुपाई चल रही है। अब हो चुका है, अब तो इसकी निराई के समय आ गई है। निराई यानी कि मतलब कि उसमें से क्या कहते हैं जो कि खर पतवार को निकालने को निराई बोला जाता है। और फिर यो भाई जा रहे हैं इधर ही। हाँ 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 प्रीतेश भाई देखिए यहाँ पर जो है कि प्रीतेश जी जो है कि बैठ के मस्ती कर रहे हैं अपने बैटरी वाले स्कूटी से। देखिए इनका यहीं सामने ये वाला गांव है, यहीं से ही आए हैं। देखिए पानी जो है कि ये सब यहाँ ले, देखिए लोग जो है कि पाइप फैला रहे हैं, पाइप से यहाँ पर पानी भर रहे हैं क्योंकि हम नहर जो मैं आपको दिखाया था पिछले वीडियो में वहाँ से नहर जो है कि थोड़ा दूरी पर पड़ता है इधर आने में, तो इसलिए थोड़ा जो है कि आप आराम से चलिए। और धान की देखिए रोपाई यहाँ पर कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो करके दिखा दीजिए, दिख रहा है देखिए ये देखिए धान की रोपाई कर रहे हैं यहाँ पर और थोड़ा सा ही बचा है वो अकेले लग रहा है रोपाई कर रहे हैं। चलिए बढ़ाकर तो यहीं है देखिए गांव का नज़ारा और चलते हैं वहाँ चौराहे पर तो वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। बाल वाल कटिंग करने वाले को भी आपको दिखाएंगे। देखिए बाल जो कटिंग करता है हम लोग को बहुत दिनों से करता है, बहुत फेमस जो है ये बाल कटिंग वाला है। और देखिए यहाँ पर देखिए खेत को तैयार किया जा रहा है रोपाई के लिए, जैसा कि आपके हमने पहले बोला था जो है कि आपको दिखाऊँगा इसका भी सीन। तो देखिए यहीं है नज़ारा, कहाँ गया ट्रैक्टर वाला, देखिए ये है, ये देखिए यहाँ पर चल रही है खेत की तैयारी, थोड़ा सा किनारे रोकना। देखिए ये रोकना जरा सा एक मिनट। तो देखिए ये जो है कि खेत की तैयारी चल रही है और इसको जो है कि क्या पटलर मार रहे हैं, देखिए ये पटलर मार रहे हैं इसको और जब इसमें खेत जो है तैयार हो जाएगा तब इसमें जो है कि रोपाई करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं आगे, बढ़ाइए चलिए यहाँ से पूरा सीन आपको दिखाएंगे वहाँ तक का। और देखिए गांव के यही लोग हैं, ये लोग जो है यही लोग का खेत है, बाकी ये लोग जो है कि अपना काम धाम कर रहे हैं। ये हमारे गांव की तरफ के कौन है ये गांव के, हमारे गांव के हाँ। अच्छा देखिए ये सब जो खेत में देखिए धान की रुपाई की गई है क्योंकि हम लोग के समय हम लोग इधर लगती है। अच्छा उधर लगता है। देखिए हम लोग क्या जो है कि धान की रुपाई देखिए इस समय क्या है कि ये सीजन ही धान का है तो धान की रुपाई उपाई चल रही है और बाकी बहुत लोगों का तो धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, 99% समझिए कंप्लीट है, केवल 1% बचा है कि अभी रुपाई होना बाकी है, बाकी सब तो होना कंप्लीट हो चुका है। देखिए इधर भी देखिए रुपाई हो चुका है, ये सब धान की रुपाई जो है जल्दी हुआ है, एक दो दिन पहले का ही है। पानी कमी होने की वजह से आज इस बार जो है लेट हो गया है। हाँ नहीं तो हम लोग का जो है कि रुपाई जून में ही हो जाता है, बारिश नहीं हुआ, बाकी नहर तो नहर का सपोर्ट जब बारिश होगा तभी नहर का सपोर्ट मिल पाएगा। तो यही है सीन, आगे देखिए सब्जी की भी खेती होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप कहेंगे तो मोबाइल का पलट के भी आपको दिखाएंगे उधर से कि
क्योंकि इधर से जो चीज़ें इधर से नहीं दिख पाएंगे वो सामने वाले कैमरे से आपको दिखाएंगे। देखिए इधर गन्ने के भी, देखिए कुछ लोग यहाँ पर खेती किए हैं। देखिए ये जो है कि गन्ने की खेती है, और ये देखिए गन्ना बोया गया है, और बगल में वो क्या है, चरी बोए हैं गाय भैंस के लिए। और उधर भी देखिए यहाँ भी गन्ना लगा हुआ है, यहाँ पर भी, वहाँ देखिए गन्ना का सीन यहाँ भी है। और सब बच्चे देखे चौराहे बैठे हैं, और ये सब गन्ना जो है एक साल में फसल है। हाँ, एक साल में। और ये सब क्या बो रहे हैं? ये सब अभी तैयारी चल रही है। देखिए ये सब, देखिए सब्जी यहाँ पर ये लोग सब्जी बोते हैं। देखिए उधर सब्जी का कार्यक्रम चल रहा है। क्या क्या है वो? अभी परवल है, क्या लग रहा है, क्या है देखिए। यही है सब्जी खेती चल रही है यहीं। उसमें से क्या निकाले हैं, बोड़ा है क्या? है देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा भिंडी उंडी है, यही सब है। देखिए वही लोग जो हैं खेत में, सामने वाले कैमरे से पलट के दिखा दें क्या? हैं, चलिए आइए उधर दिखाते हैं। इधर वो अब बीत चुका है, हाँ दुधवाड़ा। हाँ देखिए, ये देखिए आधा खेत रोप करके छोड़ के चले गए हैं, बाकी बाद में आएंगे। हमें लग रहा है कल तब रोपाई करेंगे। पानी ही ख़त्म हो गया उसमें से, और उसका धान का पौधा देखिए फेंका गया है, लेकिन अभी रोपाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो है कि इधर एरिया देखिए ये चालू हो जाता है इसका ईंट वाला, भट्ठे वाला। देखिए यहाँ पर देखिए भट्ठा एक लगा, ये ईंट का, इसमें जो है कि जो है ईंट तैयार किया जाता है, वही वाला देखिए भट्ठा है। और लेकिन ये वाला जो भट्ठा है ये बंद हो चुका है, इन लोगों का जो पार्टनर है दोनों में विवाद हो गया है, इसकी वजह से जो है कि ये भट्ठा बंद हो चुका है। और बाकी देखिए ये आम के बगीचे हैं, और जिसमें से हम लोग यहाँ से गुजर कर निकलेंगे। और देखिए ये है आम का बगीचा, ये भी तो ख़त्म हो गया है। देखो ये वाला पेड़ सूख गया है, ये वाला भी देखिए यहाँ पर, ये वाला भी पेड़ सूख गया है। यही है सीन, नदी में मटर भी होता है कभी कभी। यहाँ पर देखिए जो है कि अपना प्लांट जो है यहाँ से उधर पास में नीला कलर का दिखेगा, वही है प्लांट, लेकिन हम लोग अभी आज वहाँ नहीं जा रहे। यहाँ देखिए यही बगीचा था जहाँ से हम लोग अभी गुजरे हैं। बढ़ाओ आगे, आकाश का जमीन है, आकाश का कौन? अच्छा ये आकाश का, अच्छा अच्छा। ये देखिए भट्ठा, ये जो है कि ईट, अच्छा लेकिन। और देखिए ये वाला देखिए जो पाइप है, हर घर जो नल योजना है उसी के तहत इस पाइप को बिछाया जा रहा है। पूरे गांव के रोड को एकदम खराब करके रख दिए हैं जब से ये बिछ रहा है। हाँ देखिए यही वाला पाइप है, ये वाला, यही वाला पाइप। और देखिए यहाँ पर रोपाई सुपाई चल रही है, लोग झांक रहे हैं कि क्या कर रहा है मोबाइल में हरजी ब्लागर। स्कीम थी, देखिए वो भी झांक रहे हैं प्रवीण जी। हाँ सरकार की स्कीम है 2022 तक हर हर घर जो है जल होना चाहिए। उसी तरह तो जल तो पहले से ही था, कितना जल देंगे। देखिए यही है नज़ारा, और नहीं हम लोग जो है कि बस पहुँचने वाले हैं। गांव वगैरह में ब्लॉक बनाने में बड़ा समस्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये क्या, जहाँ सब लोग देखते हैं कि कर क्या रहा है आखिर में। यही एक समस्या होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती ब्लॉक बनाने में गांव में, लेकिन यही एक समस्या होती है कि लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि आप जैसे कोई जो है कि आप कुछ कर रहे हैं। यही है सीन। देखिए शाम का नज़ारा कितना बेहतरीन, आसमान भी आप देख सकते हैं, और पीछे देखिए धान की रोपाई है। थोड़ा अगर स्लो चलेंगे तो देख पाएंगे आपको, रोड भी नीला नीला, आसमान तो पीला हो चुका है। ये देखिए कबाड़ी वाले भैया हैं, कबाड़ी जो है ख़रीद कर लेके जाते हैं कबाड़। अब जो कि जो भी आपके घर के सामान है, काफ़ी अच्छे कमेंट, बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर जो है कि आपका बाल झड़ता जा रहा है, तो उसी को देखिए यहाँ पर बाल तो पता नहीं आ पाएगा कि नहीं। देखिए ये तालाब, इतना लंबा चौड़ा तालाब है, और ये बगल में जो है शिव जी की, शिव जी का मंदिर भी है यहाँ पर, दिख रहा है ये वाला? हाँ दिखा तो अभी क्या जी। देखा ये R15 वाले ब्लॉगर जो जा रहे हैं किंगा मिर्जापुर, अभी घर से निकला था तो बोला था चलिए, हमको भैया R15 पे तो हम नहीं बैठ पाएंगे, साला पीछे से उड़ा दोगे इतना तेज चलाओगे तो। क्या बन रहा है, ताजिया बन रहा है? कब है ताजिया? ये देखिए ताजिया बन रहा है, कब है ताजिया का डेट पूछा था? अब वहाँ पर रोकते तब ना पूछते। चलिए फिर भी देख लीजिए, ताजिया बन रहा है, जब भी होगा आप लोग नाम मज़ा करिएगा। ये देखिए हम लोग के जो मंदिर का ये गेट है, यहीं से जो है कि आप शिव मंदिर पर जाएंगे। और ये वाला देखिए जो है कि क्या है, ये यहाँ पर सरसों की पेराई होती है, तेल को निकाला जाता है। हाँ यहीं पे हम लोग जो है कि आ चुके हैं अपने चौराहे पर। आहा रुकना जरा, आहा हट, बस करो, कितना चढ़ा के लेके जाओगे। आहा हाँ देखिए आ चुके हैं हम लोग अपने चौराहे पर। यह देखिए ज्वाला प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज है,
और ये बगल में हमारा मित्र जो है मोबाइल का दुकान यहीं पर खोला है, और बाकी ये जो है कि हम लोग के सैलून वाले हैं। बाकी देखिए यहाँ पे चौराहे पर गुड्डू भैया हैं, ये अंडा ऑमलेट ऑमलेट बना रहे हैं, तो आइए मिल लिया जाए। हरिओम, काफ़ी ऊँचाई पर लग रहे हो। कहा गुड्डू भैया क्या बन रहा है? देखिए आम ऑमलेट बन रहा है इस समय, तो ये एग रोल बन रहा है। कहाँ चल रहा है एग रोल का रेट? 30 रुपया, 30 रुपया में एक एग रोल बनेगा। आलू फूल बुला कर रहे हैं। चल देखिए ये वाला रास्ता जो है, ये वाला नारायणपुर को चला जाता है। आइए चलिए हम लोग बाल कटिंग करवाते हैं। देखिए सोनू भाई, इनका देखिए मोबाइल का यहाँ पर दुकान है, यहीं चौराहे पर ही, तो मोबाइल एसेसरीज की दुकानें हैं, अगर जो भी लेना हो ले सकते हैं। बाकी देखिए हम लोग ये सैलून वाले भाई हैं, तो बाल कटिंग नंबर में है क्या भाई? कौन सा नंबर है लोग का? करा बनाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, बनाइए। कितने साल से बाल बनवा रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस पूछ लीजिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको बाल बनाने का? हम तो बचपन से देख रहे हैं, तो बचपने वाले है ये है, ये अपने 200 साल से जो है बना रहे हैं। पहले इनके पिताजी लोग को बनाते थे, फिर बाकी देखे ये लोग तब से जो है कि तब से ये लोग जो है कि यहाँ पर बना रहे हैं बाल। देखिए बैठ गए हैं बाल कटिंग के सीट पर, हरिओम जी बाल कटेंगे, हमारा कटेंगे, कटिए। पैसा मेरा ज्यादा है भाई, इनका रेट ज्यादा, इनसे नहीं कटवाएंगे, तब इन्हीं लोग से कटवाएंगे। ये लोग बाल कटिंग कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, कपड़ा कपड़ा निकाल दिए हैं, तो आइए भाई जल्दी बाल कटिंग करिए। तो पंडित के बाल और दाढ़ी की हो चुकी है कटिंग, दाढ़ी सेव हो चुका है, और हरिओम जी खांसी मत ज़्यादा हो, चलिए घर। देखिए यहाँ पर दाढ़ी और बाल दोनों जो देखिए 50 रुपया में हम कटिंग करवा लिए हैं, और प्रयागराज में रहते तो वहीं खाली बाल कटिंग के साला ले लेता 50 रुपया। तो देखिए अब हो गया चुका है काफ़ी समय, अब नाइट विजन में देखिए लाइट हो गया स्लो, अब हम लोग चलेंगे जो है घर। आइए हरिओम जी निकालिए बाइक स्कूटी निकालिए, चलिए चला जाए। और देखिए यहीं सोलर प्लेट वाला लाइट है, और बाकी क्या हो, चलिए चला जाए अब घर। ओके दाढ़ी सही बनाया है कि नहीं? ऐसे गांव में यही एक लाभ रहता है कि चौराहे पर अपने बनवाइए, बढ़िया से आपका दाढ़ी बाल भी बनाएंगे, और जो कि हाथ पैर भी दबाएंगे अच्छे से। और देखिए 50 रुपया में यहाँ दोनों काम हो गया, दाढ़ी बाल का, वैसे साला 50 रुपया केवल ले लेता जो है कि वहाँ बाला कटिंग का। तो देखिए अब हो चुका है काफ़ी समय, अब हम लोग भी चल रहे हैं घर। तो देखिए यहीं बंगला देवरिया के चौराहे पर ही नया देखिए पेट्रोल पंप खुला है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल रेट का जान लेते हैं। क्या रेट चल रहा है भैया पेट्रोल? पेट्रोल का रेट है 96 रुपया 73 पैसा, और डीजल 89 रुपया 92 पैसा। चलिए ठीक है, देखिए यही रेट चल रहा है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और ये आपको बांग्लादेश एरिया चौराहे पर मिल जाएगा। तो इसके खुलने से काफ़ी जो है सुविधा हो गई है, और हरिओम भी बार बार यहीं तेल भरवाता है, ठीक है। तो देखिए यही सीन है, बाकी देखिए यहाँ पर कर्मचारी जो है कि लगे हुए हैं और तेल फटाफट भर रहे हैं, और हम लोग भी जो है कि ब्लॉक को करेंगे यहीं पर एंड, क्योंकि जो है कि अब हो चुका है काफ़ी लंबा वीडियो, तो ज़्यादा आप देखना पसंद नहीं करेंगे ना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग। तो देखिए यहाँ पर जनरेटर वनरेटर चल रहा है, कैसे सुविधा है भैया, बिजली का क्या सुविधा है? अभी नहीं है भैया, जनरेटर से सोलर प्लेट भी लगा है? अभी नहीं, लगने वाला है। अच्छा लगने वाला है, बाकी देखिए यहाँ पर जनरेटर है, इसी जनरेटर से ये सब पूरा जो है कि लाइटिंग की व्यवस्था है, यहाँ पर बिजली का अभी कनेक्शन नहीं है, ट्रांसफार्मर लग गया है। तो देखिए भैया है, और ये जो है कि आप भैया, अरे ब्लॉक बन रहा है, तो देखिए यही भैया जो है कारोबार यहाँ का देख रहे हैं, बाकी जो है कि ब्लॉक को करेंगे यहीं पर एंड। और बाकी देख लीजिए जिसको भी तेल डलवाना हो बंगला देवरिया अगल बगल जितने भी गांव के लोग हैं, और यहीं पर पहुंचिए, और तेल का रेट आप देख ही चुके हैं, जो इंडियन ऑयल का रेट है वही रेट यहां पर भी मिलेगा आपको, कोई भी जो है कि
अभी नया है तो आपको अच्छा भी मिलेगा तेल, बढ़ाइए थोड़ा आगे। और देखिए हवा की भी सुविधा उपलब्ध है, जो हवा जो फ्री में हवा भरने वाला सुविधा है वो भी हम लोग जो है यहीं पर जो है कि आप भरवा सकते हैं। और बाकी देखिए चलिए ब्लॉक को करते हैं यहीं एंड। और जो है कि आपको क्या करना है पता है ना, उसको जो है कि जो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जो है कि दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और धमाकेदार, इससे भी धमाकेदार वीडियो आपको अगला मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हरिओम जी, फिर आप भी बोल दीजिए, जय हिंद जय भारत, जय भारत, बाय बाय।